पूरा सोलर पैनल आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर पूरा, ये और इधर ये दोनों मिलाकर इधर भी पीछे भी एक बनने वाला है। 550 किलो, 540 किलो है। तो इस तरफ इस हिस्से में पूरा 113 किलो, 113 किलोवाट इधर और बाकी सारा इस तरफ है। तो ऐसी ये जो लाइन है दिख रही है, ये 15 लाइन लगी हुई हैं। इसमें पहले में है 50, दूसरे में 50, तीसरे में 50, फिर उसके बाद है 64, फिर दो लाइन 52-52 की हैं और उसके बाद आगे चलते हैं तो फिर 64 की एक लाइन है, फिर 46-46 पैनल की दो लाइन, फिर 40-40 की दो लाइन, उसके बाद आती है 52 की लाइन, फिर उसके बाद एक 40 की लाइन है और फिर 50 की हैं और 52 की है। इस तरह पूरा ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। 4 इन्वर्टर इस तरफ लगे हैं और एक इन्वर्टर इस पूरे में लगेगा, 113 के लिए एक और इनके लिए 4। तो 100-110 एक इन्वर्टर के अंदर कैपेसिटी होती है, इस हिसाब से बनाया गया है ये पूरा। तो अभी इसमें आधे में पैनल, आधे से ज़्यादा में पैनल आ गई हैं और बाकी जो हिस्सा है उसमें अभी काम शुरू है। तो ये इस तरीके से ये दो लाइन 52-52 की है। अभी इसका ये वायरिंग यहाँ हो चुका है इस तरफ का, ये पूरा आगे से देख रहे हैं, देख सकते हैं आप इस तरीके से लाया गया है। ये यहाँ से होता हुआ अंदर जाता है इन्वर्टर में, ये पूरी डिज़ाइन। और अभी इन्वर्टर इस तरीके से लगे हुए हैं, दो यहाँ लगे हैं, दो उस तरफ आगे और लगेंगे, ये एक और दूसरा, और बाजू में एसीडी भी लगने वाला है। ये पूरा वायरिंग यहाँ आ चुका है। तो ये इस तरीके से बना हुआ है पूरा।